तो रख लिए इन्होंने बैग। ये देखो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं राधिका ढोंडियाल एक बार फिर आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस ढोंडियाल में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलो फ्रेंड करते हैं आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू। फ्रेंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी 10:30 बजे से। तो अभी काम वगैरह हमारा डेली की तरह निपट चुका है, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, काम वगैरह हो गया है फिनिश और हो गया काफी ठंडा है ना दोस्तों, जरूर बताना ठंडा हो गया है ना। अब तो बहुत ज्यादा हो गया वैसे तो। अभी धूप भी वैसे नहीं आई है, आई है लेकिन हल्की है, ज्यादा तेज नहीं है। 2-4 दिन से ज्यादा तेज धूप भी नहीं आ रही है और ठंडा बहुत ज्यादा भाई। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अभी मम्मी वगैरह भी आज चले जाएंगे तो अभी मम्मी की पैकिंग नहीं हुई है। वैसे इस बार ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाना है तो फिर भी थोड़ा बहुत जो कपड़े वगैरह हैं उन्हें तो रखना ही है बैग में। तो चलो पहले रख लेती हूँ मैं आपको, तो थोड़ी देर में बताऊँगी मैं आपको कि मम्मी और आप कहाँ जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों, अभी पैकिंग वगैरह हो रही है और ये देखो तो फ्रेंड इसका भी मुंह बहुत तेज चल रहा है, बुड़ 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 लगी है सुबह से। तो फ्रेंड मम्मी और अभी थोड़ी देर में ही चले जाएंगे। तो आज खाना थोड़ा जल्दी बना लिया है, इधर है चावल और आज बन रही है धपड़ी, तो ये अभी रखा है। और अमरीश पांडे भी आ चुका है क्योंकि वो भी जा रहा है। मिलाती हूँ मैं, ये रहा अमरीश। कहाँ जा रहे हो? आज हम अपने देवभूमि जा रहे हैं। अच्छा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज। हाँ देख सकते हो दोस्तों आप इसके चेहरे की खुशी। हाँ, बहुत खुशी हो रही है कि 6 महीने बाद जा रहे हैं अपने देवभूमि में। अच्छा कालिंगा का जतोड़ बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में, तो उस जतोड़ के लिए जा रहे हैं हम। हाँ ये कालिंगा का मतलब काली माता है, तो उनका जतोड़ा हो रहा है तो इस टाइम जा रहे हैं, मतलब मेला बोल सकते हो आप लोग। मेला बोलते हैं वैसे गढ़वाली में, जतोड़ा बोलते हैं। हाँ तो मेला हो रहा है, तो ये 3 साल में होता है ना एक बार? हाँ 3 साल में होता है। हाँ। दो जगह होता है, एक भगवती तालाब में होता है। हाँ। और एक कालिंगा का जो कुमाऊं और गढ़वाली के बीच में है कालिंगा का मेला, वहाँ मेला हो रहा है। हाँ। तो उसी की खुशी के लिए जा रहे हम। सही बात, माता का बुलावा है इसलिए जा रहे। सही बात है, हम हमारे लिए नहीं है तो हम नहीं जा पा रहे, इनके लिए है ये लोग जा रहे हैं। तो हर किसी के लिए मतलब हर कोई नहीं जा पाता, जिसके लिए बुलाव होता है बुलावा आता है वही लोग जा सकते हैं। और मनीष नहीं जा रहा? वो शायद कल आ सकते हैं। अच्छा तो ये लोग जा रहे हैं, इसकी भी अलग ही चल रही है पैकिंग। इसने अपने बैग की पैकिंग कल रात को ही कर ली थी। और अमरीश तो ज्यादा क्या ले जाएगा। हाँ अमरीश क्या लाएगा तू हमारे गांव से? वैसे बोल रहा है हमने मौसमी। अच्छा देखते हैं फिर मौसमी लेके आएंगे। हाँ ठीक है, खाली मत आना यहाँ पे। तो चलो फिर इनको खाना खा के भेज देंगे, इनको जल्दी भी जाना है क्योंकि आनंद विहार से बस भी नहीं मिल रही है, सुनने में ऐसा आ रहा है ना। ज्यादा भीड़ है। हाँ क्रश बहुत ज्यादा है भाई कसम से, इस टाइम पे ना बहुत भीड़ रहती है क्योंकि मेला है तो उसमें जाने के लिए सब जाते हैं मतलब। तो पता नहीं अब देखते हैं इनको बस मिलती है नहीं मिलती है, वैसे तो मिल ही जाएगी है ना, उम्मीद तो पूरी है। सही बात है, तो चलो देखते हैं। तो फ्रेंड जब तक खाना बन रहा था मैं थोड़ा धूप सेक लेती हूँ, भाई हाथ भी ऐसे ठंडे हो गए ना। तो फ्रेंड बैग हो चुका है रेडी और ये लाटा भी हो गया तैयार। मम्मी अब हो रही है और पापा की खुल चुकी है तिजोरी, तो अब ये लोग रेडी हो रहे हैं और गांव जा रहे हैं। मम्मी कमलेश और अमरीश, पापा जा रहे थे लेकिन पापा को अर्जेंट में काम आ गया तो फिर पापा नहीं जा रहे, तो शायद हो सकता है पापा बाद में जाएं। फिलहाल यही लोग जा रहे हैं मेले के लिए, तो देखते हैं। तो दोस्तों जाने वाले हैं ये लोग, आ गए हैं बैग गेट के सामने। ये देखो तो रख लिए इन्होंने बैग।
सब ठीक अब ध्यान दे रहे मैं तो आप चल ठीक चल तो फ्रेंड मम्मी हो तो चले गए थे। फिर उसके बाद हमने थोड़ा आराम किया तो मधु तो पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद मैं तो लेट गई, पापा भी लेट ही गए थे, पापा को तो शायद नींद भी आ गई थी। तो अब हो गया है टी टाइम, 4 बज गए हैं। तो हमारा फिक्स टाइम रहता है 4:15 बजे हम लोग टी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं मतलब। तो चलो बनाते हैं चाय, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। और मम्मी का भी अभी कॉल आया था कि मम्मी और भी पहुँच गए आनंद विहार, और देखते हैं अभी बस मिलती है नहीं मिलती है। तो चलो फ्रेंड अभी हो चुकी है शाम और लाइट चली गई है, पता नहीं आज क्यों चली गई, वैसे नहीं जाती यहाँ। और मधु ने फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है तब जाके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा इन्हें करे। तो अभी हम जा रहे हैं आटा लेने, क्योंकि आज आटा ख़त्म हो चुका है। तो मम्मी रहती थी तो मम्मी लाती थी, लेकिन आज मम्मी है नहीं, तो अब मैं और मधु जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। गाइस भाभी ले रही है आज आटा। तो दोस्तों सब्जी बना ली है, आटा फिर डेली की तरह गूंद लिया है, और अभी बैठी हूँ मैं मधु के साथ, ये बना रही है डायग्राम, वो भी लेट लेट के। इसका प्रैक्टिकल है तो उसके लिए डायग्राम दे रखे हैं इसको, तो वो बना रही है, मैं इसकी मदद कर रही हूँ थोड़ा बहुत। फ्रेंड खाना वगैरह हमारा हो चुका है डेली की तरह, और पापा सो गए हैं, पापा को आज जल्दी खिला लिया था मैंने और मधु ने तो अभी खाया, क्योंकि उस टाइम हमें भूख नहीं थी और पापा ने जल्दी खा लिया था, पापा सो भी गए हैं। तो मैं और मधु तो अभी आए हैं रूम पे, टाइम कितना हो रहा है 10:30 ना, 10:20 हो रहा है। तो अभी भी नहीं खाया हमने, 9:30 बजे खा लिया था वैसे, लेकिन फिर ऐसे ही हो गया, देखो कंबल के अंदर घुस गई है मेरे से पहले ही। चल बाहर जा, सो जाओ तुम भी। हाँ तो अभी तो नींद आएगी नहीं, पर ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है सच में। और मम्मी और भी आधे रास्ते में पहुँच ही चुके हैं, कल सुबह वो भी पहुँच जाएंगे 7 बजे तक क्या, घर पहुँचते पहुँचते तो 8-9 बज ही जाएगा। तो फ्रेंड अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि सोते टाइम मैं उसमें नहीं सोती, क्योंकि उसमें फिर गर्मी सी भी होने लगती है, एक तो कंबल के अंदर उतनी ठंड नहीं लगती वैसे। तो आज का दिन हमारा कुछ ऐसे ही रहा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आप सब लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।